इस वीडियो में हम देखेंगे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर हम जब बाय डिफॉल्ट ओपन करते हैं तो उसमें लिमिट सेट नहीं होते हैं। तो वर्किंग जो एरिया है वो बहुत बड़ा एरिया है, आप वॉल पूरा वॉल का ड्राइंग बना लो वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन कभी कभी हम स्मॉल सीज ड्राइंग करते हैं और वो बहुत स्मॉल दिखते हैं, उसको हम फिर से जूम करना पड़ते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बनाने से पहले हम उसको लिमिट सेट करते हैं। लिमिट सेट के लिए आपको A3, A4, A5, A0 जो भी आपको ड्राइंग शीट का साइज़ है वो साइज़ आपको सेट करना होते हैं। तो उसके लिए आपको फॉर्मेट में जाके ड्राइंग लिमिट को क्लिक करना है, नहीं तो डायरेक्ट आप लिमिट कमांड टाइप करके भी एंटर कर सकते हो। तो हम वन बाय वन प्रोसेस देखते हैं, फॉर्मेट ड्राइंग लिमिट, उसके बाद यहाँ पर आपको लिमिट स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर आपको ऑलवेज 0.0 आएगा, जब भी एंटर कर दोगे आप। उसके बाद आपको अपर लिमिट कॉर्नर पूछेगा, जो भी आपको वैल्यू है वो आपको देना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 500.500 बाय डिफॉल्ट दे दिया, एंटर करना है। उसके बाद आपको जेड करना है, जेड मींस आपको एरिया को जूम करना है, जेड एंटर। उसके बाद ऑल एंटर करना है, मतलब ऑल साइड से जूम हो गया। ये आपका लिमिट सेट करने का प्रोसेस है, नहीं तो डायरेक्ट आप लिमिट कमांड भी टाइप कर सकते हो, लिमिट्स एंटर 0.0 एंटर, 500.500 एंटर, जेड एंटर और ए एंटर। तो इस टाइप का दो प्रोसेस है, आप या टाइप करके भी आप एंटर कर सकते हो, नहीं तो आप फॉर्मेट में जाके ड्राइंग लिमिट करके भी आप प्रोसेस कर सकते हो। इस टाइप का आप ऑटोकैड में ड्राइंग लिमिट सेट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।